गुड आफ्टरनून। शहर के 2 बज रहे हैं और हम अभी घर से निकले हैं। कल रात को हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे, इवन सुबह के 6 बज गए थे जब हम सोए हैं। हमने वैसे रात को डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे रिफ्रेशमेंट से हलवा पूरी खाने। एवरीबडी हु लिव्स इन रावलपिंडी उसको पता है कि रिफ्रेशमेंट की हलवा पूरी इज अमेजिंग एंड यू हैव टू हैव दैट हलवा पूरी वंस अ वीक। यहाँ पर मैं आई हुई तो हमने बस किया, सोचा था कि हम लाजमी जाएंगे। और संडे को तो होती भी देर तक है, नॉर्मल डेज में 12-1 तक होती है, संडे को ना 2 बजे तक होती है। लेकिन हमें उठते उठते ही 1:30 बज गया, बस अभी बज रहे हैं 1:50। लेट्स होप कि हम पहुंच जाए वहाँ पे। अभी मम्मा गई हैं, मम्मा और सना गए हैं बाहर शॉप पे, 2-3 चीजें लेने के लिए गई हैं, ATM पे गए हैं। वो लोग आते हैं तो बस हम लोग निकलते हैं और फिर जाते हैं, और लेट्स होप कि हलवा पूरी मिल जाए ताकि हम आज खा सकें। सो या यहाँ पे मैंने व्लॉग को शुरू कर दिया है, तो अब देखते हैं आज के दिन हम क्या करते हैं। We are finally here. और मुझे हलवा पूरी के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। That is sad. आपको जल्दी उठना। मम्मा के sarcastic comments जो ना हर वक्त चलते ही रहते हैं। खैर अब हम कुछ और खाएंगे। तो यार हमें हलवा पूरी तो obviously मिली नहीं है, तो फिर हमने खाना शाना ऑर्डर कर लिया। और खाने में हमने ऑर्डर किया आलू कीमा पाए और हली और साथ में नान। गाइस हमने खाना शाना खा लिया था और अब हम जो है ना कमर्शियल में रैंडम विंडो शॉपिंग और नॉर्मल शॉपिंग के लिए आ गए हैं। सना इज ट्राइंग ऑन शूज और इसके बाद हमें जाना है कुछ ज्वेलरी शूलरी लेने जो मेरी ईद की है, फिर जूते भी लेने जाना है। सो या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ, डिसीजंस इन द मेकिंग। दोनों भी जूते ट्राई कर रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ऑलरेडी थक गई। बोथ आर स्टिल ट्राइंग ऑन शूज। मम्मा ये वाले अच्छे लग रहे हैं, ये वाले ले लो। मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज मैंने कहीं और से जूते लेने हैं, और यहाँ से जूते लेने के बाद फिर हम वहाँ जाएंगे। फन फैक्ट अबाउट सना, सना का पाँव का साइज 5 है 5 है 6 है 5 है। सो सना कैन नेवर फाइंड उसके साइज के जूते, अभी भी शी इज लुकिंग इन किड्स सेक्शन। और सना को कोई जूता पूरा नहीं आ रहा, उसने जो जो जूता पसंद किया है वो उसके साइज में अवेलेबल है। सो नाउ वी आर इन द किड्स सेक्शन के कोई जूता पूरा आ जाए। सना अपना पाँव दिखाना सर। ये साइज है सना के पाँव का। ओके गाइस अब हमने जूते शूते ले लिए, मम्मा और सना के, मेरे अभी लेने हैं, ज्वेलरी भी लेनी है, लेकिन हमने पहले का जूस पीते हैं कहीं से, बहुत गर्मी है भाई। और सना ने मंगवाया, सना क्या मंगवाया तुमने? रू अफ़ज़ा सोडा। और मम्मा ने मंगवाया है पीच का जूस विदाउट शुगर, और मेरा पीच का जूस है विद शुगर। लेट्स हैव दिस जूस। अभी 3:30 बज रहे हैं और कोई अभी कमर्शियल में रश नहीं है, बस अपनी शॉपिंग वॉपिंग जो है ना जल्दी से करते हैं, फिर घर जाते हैं, बहुत गर्मी है गाइस। हम लोग सारी शॉपिंग वॉपिंग कराए हैं, ज्वेलरी जूते सब कुछ हो गया है, और अब बहुत थक गए हैं बाहर, बहुत गर्मी है, बस घर चलते हैं और घर जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए थे और अभी मैं बहुत थकी हुई, शाम के 8 बज रहे हैं, बेसिकली रात के 8 बज रहे हैं। और फिर हमारे घर मेहमान आ गए थे तो बस हम उनके साथ बिजी हो गए, और अब मम्मा जो है रोज़ बना रही हैं और उसको बनने में 10-15 मिनट अभी हैं, तो मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। खा के फिर मैं और सना दोबारा मार्केट में जाना है, हमें 2-3 चीज़ें लेनी है, तो वो करेंगे। तो गाइस लेट्स चेक कि हमारा गोश्त कितना पक चुका है। अभी इसमें टाइम है, आई थिंक अभी तो इसमें पानी है। मम्मा गोश्त में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम है अभी। वेरी हंग्री। खैर अभी मुझे सना ने बोला कि उसने जाना है, सना ने मुझे भी बताया कि उसने जाना है दर्जी के पास अपने कपड़े इस्त्री होने के लिए दिए हुए वो पैक करने। तो हम पहले कपड़े इस्त्री नहीं करता। कौन कपड़े इस्त्री करता है? धोबी। हाँ सॉरी, धोबी के पास जाना है, वो लेकर आते हैं, और तब तक मेरे ख्याल खाना भी बन जाएगा, तो लेट्स गो। फाइनली सालन बन गया और मम्मा ने कहा खा के जाओ, खाने से पहले मत जाओ, तो अब हम खाना पहले खाएंगे और फिर बाहर जाएंगे। याम याम। मैं अपनी ट्रे लेके आ गई हूँ, साथ में नेटफ्लिक्स देखूंगी और अब ये खाते हैं। बाकी सारे अभी अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो मैं साथ टीवी के लगा के भी खाना खाने लगी हूँ इससे पहले कि मेरी ना डेथ हो जाए भूख से। सो लेट्स डिग इन। ओके जी, तो फर्स्ट बाइट। मम्मा जो है ना ये सिर्फ नमक में गोश्त बनाती हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। मैं जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ और फिर हम बाहर चलते हैं। ओके जी, खाना छाना खा लिया है। ये देखिए मैं किसके साथ आई हूँ, छुपे हुए मुँह के साथ बाहर आई हूँ। हमने जाना है पहले धोबी के पास, दर्जी के पास नहीं जाना, धोबी के पास जाना है, कपड़े कलेक्ट करने हैं इस्त्री के लिए जो दिए हुए हैं मम्मा ने और सना ने, और फिर वापस जाते हैं, मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी है। सो लेट्स गो।
By the way, for those of you who don't know, I used to live around Tipu Road and Jangi Road. अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा जो पैच है और बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना, हम लोगों ने उस एरिया में गुजारा है. ये स्कीम 3, स्कीम 2, स्कीम 1, ये सारे एरियाज में ही हमारे हम रहते होते थे. आई लव दिस एरिया. और अभी भी मामा लोग स्कीम 3 में होते हैं तो ऑब्वियसली इधर आना जाना जो है वो लगा रहता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है इधर से. तो जी हम पहुंच गए हैं इधर धोबी के पास और यहाँ से अब कपड़े कलेक्ट करते हैं. अस्सलामुअलैकुम. वो बता के गए हैं आपको? तो जी हमारे कपड़े आधे आ गए, अभी आधे कपड़े और रहते हैं. ये बाकी कपड़े भी आ गए और हैंगर्स पे भी रहते हैं. उसको क्यों ले रही हो यार? उसने तुम्हारी व्लॉगिंग के लिए साइन वो मैंने उनको नहीं लिया. सना को बहुत टेंशन है कि मैंने उनकी शक्ल वगैरह लिया, लेकिन मैंने वो नहीं लिया ऑब्वियसली. आई थिंक अभी हैंगर्स पे कपड़े रहते हैं, वो आ जाए फिर उनकी भी जगह बना लेते हैं. हाँ इधर आ जाएंगे सीट पे. हाँ हाँ ये लिटा दें इस तरह ना, इस तरह लिटा दें क्योंकि हैंग करने मेरी कोई चीज़ नहीं है. और ये हमारे सारे कपड़े आ गए. हाँ ये सीट पे रखते हैं जी. बैक सीट पूरी भर गई है कपड़ों से. पूरे महीने के या 2-3 महीनों के कपड़े जो है ना मामा लोग इकट्ठे इस्त्री करवा लेते हैं, तो वो सारे अब पिकअप कर लिए हैं और अब हम चलते हैं वापस मार्केट. जाना है, चीज़ें ले लूँ अपनी. हो गया चले. एंड वी आर बैक होम. और ये चेक करें, बिल्ली चेक करें, ये इधर ही रहने लग गई है मामा लोगों के पास. खैर हमने शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, अब हमने जो कपड़े सारे लेकर आए हैं वो अंदर लेके जाने. लाओ मुझे दो आते. ओके जी, वी हैव ऑल दीज क्लोथ्स. देखिए ना मैंने कहाँ रखे हैं. हाँ अब इनको अंदर लेके जाते हैं. एंड वी आर गोइंग टू पुट देम ओवर हियर. ओके जी घर आ गए हैं, चेंज कर लिया. खाना शाना तो मैंने पहले ही खा लिया था, मम्मा और सना ने भी खा लिया, बाबा ने भी खाना खा लिया. अब मैं अपनी चाय का कप ले आई हूँ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू वॉच नेटफ्लिक्स. अभी मूवी लगानी है, एक मूवी आई है एटलेस, वो बड़े मज़े की मूवी है. मैं और मम्मा जो है वो मूवी देखेंगे और बस फिर हम बातें शातें करेंगे, काम शाम करेंगे और फिर सो जाएंगे. फिर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ गाइस टुमारो, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके बाय.